दोस्तों आज बनाते हैं मसाला डोसा की रेसिपी, लेकिन ये कोई आम डोसा की रेसिपी नहीं है। इस रेसिपी में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आपका डोसा तवे पे चिपकता क्यों है, हम ऐसा बैटर कैसे बनाएं कि डोसा ऑटोमेटिकली तवे को अपने आप ही छोड़ दे, कौन से चावल यूज करने हैं जिससे कि डोसा सॉफ्ट बनेगा, डोसा क्रिस्पी बनेगा या डोसा पापड़ बनेगा, ये सारी चीज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और तो और आपको एक इंस्टेंट चटनी और आलू की रेसिपी बताऊंगा जिससे आप जल्दी से सब कुछ बना लो। इसमें हम डोसे की टेम्परेचर कंट्रोल की बात भी करेंगे, पानी क्यों मारते हैं तवे पे, ये सारी बातें करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश है, मुझे टोटल 1 साल लगे हैं ये वीडियो बनाने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको यहां पर स्क्रीन में 3 टाइप के चावल दिख रहे होंगे, ये तीनों चावल पारबॉइल्ड राइस है। अब सवाल ये है कि पारबॉइल्ड राइस क्या होती है। दोस्तों पारबॉइल्ड राइस बेसिकली वो राइस होती है जिसको धान में बहुत हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है, जैसे कि स्टीमिंग से या बॉइलिंग से, उससे बेसिकली हस्क हटाया जाता है और उस प्रोसेस में चावल जो है वो हल्का सा कुक हो जाता है। आपने वैसे चावल देखे होंगे जो थोड़े से ट्रांसलूसेंट होते हैं, बिल्कुल वो होते हैं पारबॉइल्ड राइस। अब आप चाहो तो आप रॉ राइस भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे आपका डोसा जो है वो तवे पे थोड़ा चिपकेगा और रॉ राइस में फर्मेंटेशन भी थोड़ी सी स्लो होती है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मीडियम ग्रेन राइस लिए हैं, साथ में आपको 1/2 कप उड़द की दाल चाहिए होगी, यानी कि 4:1 का रेशियो लिया है मैंने। रेस्टोरेंट में अक्सर कलर के लिए और एक स्मूथनेस के लिए चने की दाल और थोड़ी सी तूर की या अरहर की दाल डाली जाती है और मेथी दाना भी डाला जाता है फर्मेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए। बस एक चीज का आपने ध्यान देना है कि जो चावल है उसमें आप मेथी दाना डालना और जो ये दाल है इसको अलग से भिगाना, इस बात का ध्यान जरूर देना। दोस्तों 2-3 बारी मैंने दाल को धोया है और उसको भीगने के लिए छोड़ दिया है लगभग 8 घंटे के लिए, और साथ में चावल को भी 2-3 बारी धो के मैंने यहाँ पर भीगने के लिए छोड़ दिया है 8 घंटे के लिए। अब मुझे पता है आपका सवाल ये आ रहा है कि भरत भाई ये चावल कौन से इस्तेमाल करें आपने। अब दोस्तों एक चावल में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्चेस होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो पानी के साथ बह जाता है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो पानी को होल्ड कर सकता है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो आपको स्ट्रक्चर देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सही डोसा बनाने के लिए। अब जितने चावल की वैरायटी होती है उनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के। तो जैसे कि आप बासमती राइस से या लॉन्ग ग्रेन राइस से डोसा बनाओगे तो उसमें अमाइलोज बहुत ज्यादा होता है, तो आपका डोसा बनेगा क्रिस्पी लेकिन सूख जाएगा क्योंकि उसमें रेट्रोग्रेडेशन ज्यादा होती है, तभी बासमती चावल अलग अलग बनते हैं। अगर वही आप डोसा इन वाली राइस से बनाओगे, ये है इडली राइस, तो आपके डोसा बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत लंबे टाइम तक क्रिस्पी नहीं रहेगा, जैसे ही आप उसको पकाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। आखिरी जो राइस जो मैंने यूज करे हैं इसे कहते हैं डोसा राइस, या आप इसकी जगह सोना मसूरी भी यूज कर सकते हो। ये एक मीडियम ग्रेन राइस है और इसमें राइट कॉम्बिनेशन है अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का, और क्योंकि ये पारबॉइल्ड है तो डोसा और भी क्रिस्पी निकल कर आएगा। बस दोस्तों इतनी सी बात थी, आपने 8 घंटे रेस्ट करना है दाल और चावल को और अब इनको अलग अलग पीसना है, ध्यान रहे साथ में नहीं पीसना। आप चाहो तो आप इनको मिक्सी में भी पीस सकते हो, हाँ लेकिन पीसते हुए ध्यान रखना कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना। मैंने वेट ग्राइंडर में पीसा है और चावल को पीसते हुए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 3/4 कप तक पानी डाला है, उससे ज्यादा नहीं डाला, और ज्यादा पानी आप बिल्कुल मत डालना नहीं तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो आपको ये दिखेगा कि चावल एकदम फाइन ग्राइंड नहीं हो पाया है, हल्का सा दाना खड़ा खड़ा है चाहे मैं कितनी देर भी इसको पीस लूं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पारबॉइल्ड राइस है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों डोसे में। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर दाल को पीसना है, तो इसी वेट ग्राइंडर में अगर आप मिक्सी में पीस रहे हो तो पहले आप चावल को पीसना फिर आप दाल को पीसना, और दाल को आपने एकदम फाइन पेस्ट में बनाना है। दाल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ज्यादा नहीं, लेकिन एक रेस्टोरेंट वाली चीज डाली है वो है चीनी। अब चीनी क्या करती है, चीनी आपके डोसे को एकदम इवन कलर देगी। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको दाल को देर तक पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और इसमें थोड़ी सी हवा भरनी है, ये देखो फ्लफी फ्लफी है ना। तो मैंने यहाँ पर अपने बोल में ट्रांसफर कर दिया है चावल के बैटर को, ये देखो अभी ये थोड़ा पतला है, और यहीं पर मैंने दाल को भी मिक्स कर दिया। ध्यान रहे दोस्तों आपने लेडल यहाँ पर यूज नहीं करना या करछी यूज नहीं करनी, आपने हाथ से ही मिलाना है क्योंकि हाथ में जो हीट होती है ना वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को शुरू करने में हेल्प करेगी, और यहाँ पर गलती से भी नमक मत डाल देना। और चीनी यहाँ पर एक और बढ़िया कमाल करेगी, वो फर्मेंटेशन और भी ज्यादा अच्छी ला कर देगी। अब मैंने यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए सिर्फ 8 घंटे के लिए रखा है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, अगर विंटर्स हैं तो मिनिमम 12 घंटे तो चाहिए चाहिए, नहीं तो कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन बैटर जो है वो डबल होना चाहिए।
ये देखो आप कितना फ्लफी हो गया बैटर। तो दोस्तों हमारे डोसे का बैटर बिल्कुल सेट है। अब आपने सिर्फ नमक डालना है और इसका डोसा बनाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आलू बनाना आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि आप पैन में थोड़ा सा तेल डालना, तेल जैसे ही गर्म हो जाए मस्टर्ड सीड्स आपने डालने हैं और वो तड़कने चाहिए। साथ में मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ी सी धुली उड़द की दाल, थोड़ी सी चना दाल, और इनको अच्छे से रोस्ट किया है। पहले हल्का सा कलर ले लिया है। बस अब यहाँ पर आप एक प्याज डालना जो कि थोड़ा सा मोटा मोटा कटा हो। साथ में मैंने थोड़े मटर डाले हैं। प्याज को आपको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना होता, यहाँ पर हल्का सा बस कलर चेंज होने तक यानी कि ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। फिर आप मिर्ची डाल देना, और जब प्याज इस स्टेज पर आ जाए, ये देखो कलर चेंज हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गए, बस अब यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना, लाल मिर्च पाउडर डालना, साथ में धनिया पाउडर और पानी फटाफट से डाल देना। पानी थोड़ा सा ज्यादा डालना दोस्तों, क्योंकि जो आलू है ना वो अपने आप ही इस पानी को गाढ़ा भी कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर नमक डाला है, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, खटास के लिए आमचूर पाउडर, एंड में 2 से 3 आपने उबले हुए आलू डालने हैं। बस एक बॉईल लाना है, ज्यादा मत पकाना है इसको, थोड़ा सा लिक्विड ही रहने देना, क्योंकि अपने आप ही ये और गाढ़ा हो जाता है, आपको ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों है ना बिल्कुल सिंपल। और अगर आपने नारियल की चटनी बनानी है और घर में फ्रेश नारियल नहीं है तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर भुने हुए चने की दाल लेना, थोड़ी सी मिर्ची और कड़ी पत्ता, और ये क्या है, ये है सूखा नारियल। इसको रिफ्रेश करने के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो 3/4 कप सूखा नारियल, भुने हुए चने, कड़ी पत्ता और मिर्ची, और 1/4 कप दही, साथ में नमक मत भूलना। आप इसको यहाँ पर अच्छे से पीस देना, और अब इसको थोड़ा पतला करने के लिए आप पानी डाल देना, और ये देखो बिल्कुल इंस्टेंट चटनी बन जाएगी। तड़के में बस मैंने यहाँ पर तेल के साथ साथ मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाला है, उड़द की दाल और चने की दाल डाली है। इनको आप अच्छे से रोस्ट कर लेना, और बस आप यहाँ पर चटनी के ऊपर डाल देना, और आपकी इंस्टेंट चटनी बन जाएगी। तो चलो दोस्तों आप डोसा बनाते हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपकी डोसा बनाने की। अच्छा, आपने डोसा बनाना है नॉनस्टिक पैन में, तो नॉनस्टिक पैन की आपने थोड़ी सी ट्रीटमेंट करनी होगी। नॉनस्टिक पैन में क्या होता है कि एकदम इवन हीट और हीट रिटेंशन सही नहीं होती, इसलिए डोसे में थोड़े से पैचेस रह जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म करना, और उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर टिश्यू से ऐसे वाइप कर देना। फिर आपने पानी डालना है, और पानी डालने से क्या होता है कि हल्का सा जो तवा है ना उसका टेम्परेचर कुछ देर के लिए 1-2 डिग्री कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो जब आप डोसा फैलाओगे तो डोसा जो है वो तवे से चिपक जाता है। इसलिए दोस्तों हर डोसा डालने से पहले पानी डाला जाता है ताकि तवे पे डोसा जो है वो चिपक जाए। बस अच्छे से फैलाने के बाद आप यहाँ पर घी या तेल डाल देना, और जैसे ही रंग चढ़ जाए डोसे के ऊपर, ये देखो, फिर आप आलू डालना और इसको बहुत आराम से निकाल लेना। भाई नॉनस्टिक पैन है तो निकल के तो आएगा ही, लेकिन आप खुद ही देखो कि अगर आपका नॉनस्टिक पैन नया नॉनस्टिक पैन है तो उसमें ऐसे पैचेस आ जाते हैं, ये देखो, क्योंकि इसमें इवन हीट नहीं होती। यही अगर आप एक यूज नॉनस्टिक पैन को यूज करोगे ना, पुराना वाला नॉनस्टिक पैन जिसमें निशान आए हुए होंगे, तो उसमें डोसा सही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नॉन स्टिकीनेस खत्म हो जाती है ना, इसलिए। जिस तवे पे आप रोटी बनाते हो उसमें गलती से भी आप डोसा मत बना देना, नहीं तो आपका डोसा चिपक जाएगा, निकलेगा ही नहीं। खैर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक लोहे का तवा ही यूज करो, डोसा तवा ही यूज करो डोसा बनाने के लिए, तभी आपको बाजार वाला डोसा मिलेगा। और डोसा बनाने से पहले तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए, ये देखो 160 डिग्री पे है। फिर जब आप पानी डालोगे तब ये देखो सीधा ही 8 से 10 डिग्री कम हो जाता है, और ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो डोसा जो है वो आपके तवे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और क्रिस्पी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर डोसे को फैलाया है। पहले मैं सेंटर से फैलाता हूँ और धीरे धीरे करके एकदम हल्के हाथ से साइड्स पे चले जाता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही फैलाता हूँ, और बस जैसे ही आप फैला दो डोसा, आप गैस को मीडियम पे कर देना, और अब इस पे देसी घी डाल देना। अगर मुझे लगता है कि तवा ज्यादा गर्म है तो मैं तो गैस को ऑफ भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डोसा क्रिस्पी चाहिए। और आप यहाँ पर देखो, ये साइड्स देखो, यहाँ से आपको पता लगेगा कि इस पे कलर चढ़ रहा है। जैसे ही गोल्डन सा कलर आने लग जाए पूरी रिंग्स में, तो बस आप डोसा निकाल लेना, यहाँ पर डोसे वाले आलू लगाना, और ये देखो दोस्तों है ये डोसा बाजार से कम। और अब आप ये देखो कि ये डोसा बहुत देर तक, मैंने इतनी देर तक रखा है लगभग 10 से 15 मिनट, और बिल्कुल बाजार की तरह एकदम राउंड सेट है, कलर भी परफेक्ट है,
और अंदर से सॉफ्ट भी है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिस्पी भी हो और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पापड़ ही हो। अच्छा एक पॉइंट और है, कभी कभी आपने देखा होगा कि डोसा तवे से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, बिल्कुल जैसे ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि अगर तवा ज्यादा गर्म होता है, ओवर हीटेड होता है और राइस पारबॉइल्ड वाली होती है, तो डोसा जो है वो अपने आप निकलने लग जाता है। तो अगर एकदम से अपने आप निकलने लग जाए तो आप मान के चलना कि तवा बहुत ज्यादा गर्म है। अब अगर आपने इसी तवे पे दूसरा डोसा बनाना है तो पानी डालना बहुत जरूरी है ताकि टेम्परेचर हल्का सा नीचे आए और आपका डोसा तवे से जरूर चिपके। फिर जैसे ही धीरे धीरे करके पकेगा वैसे ही धीरे धीरे करके साइड्स की ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएगी, क्योंकि हमने चावल सही यूज करे हैं इसलिए साइड्स ऑटोमेटिकली निकलेगी और तवे का टेम्परेचर सही है। ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। और बस दोस्तों आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्पी डोसा मिलेगा बिल्कुल ऐसे। आप दोस्तों ऐसे डोसा बना कर देखना, सच में आपको मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको डोसे के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।